मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में अपराध बढ़ते ही जा रहा है। वहीं इंदौर की चंदन नगर पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने एक लुटेरी गैंग का पर्दाफाश किया है, जहां गैंग प्रोफेशनल तरीके से अपराध को अंजाम दे रही थी, जिसमें पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी शामिल थी। इनके पास से बड़ी तादाद में लूट का माल भी बरामद किया गया है। इंदौर की चंदन नगर थाना पुलिस ने इंदौर में अपराध को अंजाम देने वाली एक गैंग का पर्दाफाश किया है, जिसमें महिलाएं और पुरुष दोनों ही शामिल हैं। अपराधियों के पास से लूट नकबजनी का माल बड़ी मात्रा में जब्त हुआ है। इस गैंग में इंदौर के थाना राजेंद्र नगर क्षेत्र के भीम नगर में रहने वाली 15 महिलाएं और कई पुरुष शामिल है। यहाँ महिलाएं और पुरुष विवाह एवं धार्मिक समारोह में जाकर वहां मौजूद लोगों के नगद और आभूषण उड़ा लिया करते थे। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें महिलाएं भी शामिल है। ये पूरा अपराधियों का गैंग इसमें गिरफ्तार हुआ है और इसमें ये बड़ा शातिर गैंग है। कई सारे अपराध उन्होंने कर रखे। अभी तक की जो कार्रवाई हुई है उसमें एक लूट का मामला और उसके अलावा 6 करीब नकबजनी का मामला अभी तक इसमें बरामद हुए हैं और अन्य मामलों की भी बतारासी अन्य थानों के मामले भी इन्होंने बताए थे पूछताछ में, जिसमें हमारे थाने उस पर PR लेके कार्रवाई कर रहे हैं। और इसमें अभी तक के जो लूट का कुछ कैश बरामद हुआ है और 6-7 नकबजनियों का जो ऑर्नामेंट्स वगैरह हैं वो बरामद हुए हैं। और अभी इसमें अन्य जो मामले जिन्होंने बताए हैं उसकी तस्दीक करके इसमें बरामद की अभी बाकी है और उम्मीद है कि इससे इस गैंग से कई सारी नकबजनियाँ निकलेगी और बहुत बड़ी मात्रा में ऑर्नामेंट्स वगैरह हम जब्त करने में सफल होंगे। ये पूरे गैंग में महिलाएं भी हैं और पुरुष भी, 5 लोग अभी गिरफ्तार हुए हैं। एक आरोपी थे गैंग का ऑलरेडी पहले से जेल में पाया गया है, तो उसको भी तस्दीक करके हम लोग PR पे लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और कुल मिला के इस गैंग के पकड़े जाने से कई सारे हमारे पीड़ितों को उनका अमन वापस मिलाने में मदद मिलेगी और अपराधों का खुलासा होने से निश्चित ही अपराधों पर नियंत्रण होगा। यह गैंग प्रोफेशनल तरीके से किसी भी वारदात को अंजाम देती थी। इस गैंग में शामिल महिलाएं अकेली महिलाओं को निशाना बनाती थी। यह महिलाएं किसी भी घर में बहाने से घुसकर उस घर की रेकी कर दिया करती थी। इसके बाद वह गैंग में शामिल पुरुषों को बताकर नकबजनी और लूट की वारदात को अंजाम दिया करते थे। पुलिस ने लूट का माल खरीदने वाले सुनार दीपक सोनी को भी गिरफ्तार किया है। पूरा प्रोफेशनल गैंग है, इसमें हमने जो माल रिसीव करने वाला है उसको भी गिरफ्तार किया है। और करते ये लोग यही थे कि महिलाएं डे आवर्स में जाके रेकी करना, किसी बहाने से, किसी काम के बहाने से जाके घर को देख के आना, कौन से घर में ताला लगा है, कौन से घर में आसपास लोग नहीं हैं। और फिर नाइट आवर्स में इनके जो मेल मेम्बर्स हैं गैंग के, वो मोटरसाइकिल के थ्रू, इवन एक गाड़ी 4-व्हील भी इनका पता चला है इनके पास है, तो उसके थ्रू जाके ये लोग और कार्रवाई अपनी घटना को अंजाम देते थे। जो इसकी प्रॉपर्टी लेने वाला सोनी, जिसको हमने गिरफ्तार किया है, वो इनसे तत्काल माल लेके और माल को पैसे को देने का काम करता रहा है और पूरी गैंग जो है एक यूनिट रूप में इनमें ऑपरेट करती रही है। तो आरोपी गिरफ्तारी होने से इसमें सभी खुलासा हो। पुलिस ने इस गिरोह की मुख्य सरगना भूरी को गिरफ्तार किया है। इस गैंग ने मध्य प्रदेश के अलावा आसपास के कई राज्यों में भी वारदातों को अंजाम दिया है। पूछताछ में इस गैंग ने 3 थानों की 15 वारदातें कबूली है और लगभग इनके पास से 20 लाख से अधिक का सोना भी बरामद किया गया है। इंदौर से हार्दिक प्रजापत की रिपोर्ट।